नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के बलिया में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधी एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सुखपुरा थाना क्षेत्र के मुखबिर की सूचना पर 12,000 की नामी बदमाश को स्वाट टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से आज धर दबोचा। वहीं गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को SP ने 15,000 का पुरस्कार भी देने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार जीरा बस्ती डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड शाखा 31/12/2018 को हुई लूट में चार अभियुक्तों ने लूट को अंजाम दिया था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भोजपुर पुलिया के पास घेराबंदी कर 12,000 की नामी बदमाश सुनील यादव को गिरफ्तार किया है। इसके पास से लूट के 20,000 रुपये नकदी और एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं मौके का फायदा उठाकर तीन अभियुक्त मौके से फरार हो गए। पुलिस जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। पुलिस टीम को 15,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है। जीरा बस्ती डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड शाखा से लूट की घटना की गई थी, जिसके संबंध में थाना सुखपुरा में अभियोग पंजीकृत। इस लूट के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई थी। स्वाट टीम और थाना सुखपुरा की टीम मिलकर इस घटना को कारित करने वाले सुनील यादव पुत्र रामजन्म यादव निवासी कुला जखनिया थाना बुरखुड़ा को गिरफ्तार किया है। इनके अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। यह अपराधी पहले ही पुरस्कार घोषित अपराधी है, कई मामलों में गाजीपुर में वांछित है। गाजीपुर से 12,000 रुपए का इनके ऊपर इनाम घोषित है। सर, लूट की कितनी रकम बरामद हुई? लूट के कुल 20,000 रकम बरामद हुई है। इनके पास से 1 अदद पिस्टल, 1 खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस, ये सब बरामद हुए। सर, घटना के पीछे क्या ये लोग पहले से रेकी करके गए थे या क्या कुछ? घटना के पीछे ये लोग पहले से ही जानकारी किए हुए थे और उस घटना को अंजाम दिए। बाकी चीजें विवेचना के विषय। सर, इसमें भी कितने फरार हैं लोग? अभी 3 अपराधियों को और पकड़ा जाना है और उन्हें शीघ्र पकड़ना। बेशक बलिया से अखिलेश सैनी संघ नवल जी की खास रिपोर्ट।